नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एक राक्षसी ने भीम के साथ विवाह क्यों किया था। दोस्तों, यह कथा तब की है जब पांचों पांडवों में से किसी का भी विवाह नहीं हुआ था। सबसे पहला विवाह पांचों भाइयों ने दूसरे नंबर के भाई भीम, जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के लिए जाने जाते हैं, उनका हुआ था। द्रौपदी से पहले भीम की पत्नी एक राक्षस कुल से थी जिसका नाम हिडिंबा था। भीम और हिडिंबा का विवाह क्यों और कैसे हुआ, यह जानने के लिए वीडियो में आपसे निवेदन है कि अंत तक बने रहें। मित्रों, महाभारत की कथा के मूल में कौरवों का पांडवों के प्रति द्वेष और शत्रुता का भाव ही रहा। पांडवों के पिता पांडु हस्तिनापुर के सम्राट थे, लेकिन उनकी असामयिक मृत्यु के बाद उनके नेत्रहीन भाई धृतराष्ट्र को गद्दी पर बिठाया गया। यह तय था कि उचित समय आने पर सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर को राजगद्दी मिलेगी, लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्रों को यह स्वीकार नहीं था और सबसे बड़ा कौरव, जिसका नाम दुर्योधन था, अपने मामा शकुनी की सलाह पर पांडवों को मारने के लिए षड्यंत्र रचता रहता था। ऐसे ही एक बार उसने छल से पांडव और उनकी माँ कुंती को वारणावर्त नाम के एक नगर में किसी आयोजन के नाम पर भेजा, जहाँ उसके आदेश से एक लाक्षागृह बनाया गया था। लाक्षागृह पूरी तरह से लाख से बना था। लाख एक ऐसी वस्तु होती है जो बेहद जल्दी आग पकड़ लेती है। दुर्योधन ने योजना बनाकर एक रात लाक्षागृह में आग लगवा दी ताकि पांडव और माता कुंती उसमें जलकर मर जाएं। लेकिन पांडवों, कौरवों के चाचा और महामंत्री विदुर को पहले से ही इस षड्यंत्र का अंदेशा था और उन्होंने लाक्षागृह में एक सुरंग तैयार करवा दी थी जिससे वे सभी सकुशल बाहर निकल आए। लाक्षागृह से निकलने के बाद पांडव अपनी माँ के साथ जंगल में छुप गए। उस जंगल में एक राक्षस रहता था जिसका नाम हिडिंब था। वह एक भयानक राक्षस था और हर रात को किसी मनुष्य का शिकार करने के लिए बाहर निकलता था। दोस्तों, हिडिंब की एक बहन थी जिसका नाम हिडिंबा था। उस रात हिडिंब ने अपनी बहन से कहा कि वह बाहर जाकर उसके लिए मनुष्य का शिकार करके लाए। हिडिंबा ने अपने भाई की बात मानी और विशालकाय वह भयंकर राक्षसी का रूप लेकर जंगल में शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ी। घूमते घूमते वह उसी स्थान पर जा पहुंची जहां पर पांडव छुपे हुए थे। रात होने के कारण भीम को छोड़कर सभी पांडव और उनकी माँ सो रहे थे, जबकि भीम उनकी रक्षा के लिए जग रहे थे। भीम के व्यक्तित्व को देखकर हिडिंबा उन पर मोहित हो गई। उसने इतना बलशाली मनुष्य कभी नहीं देखा था। हिडिंबा भीम से इतनी आकर्षित हुई कि उसने तय कर लिया कि वह अब उसी से विवाह करेगी। भीम को देखकर वह अपने सौम्य रूप में आ गई। जब काफी समय तक हिडिंबा वापस नहीं आई तो हिडिंब, जो कि हिडिंबा का भाई था, उसे ढूंढते हुए उसी स्थान पर आ पहुंचा। एक साथ इतने मनुष्य को देखकर वह बहुत आनंदित हुआ। तभी हिडिंबा ने उससे कहा कि वह भीम से विवाह करना चाहती है। उनका संवाद भीम के कानों पर पड़ गया और वह आश्चर्य से दोनों को देखने लगा। हिडिंबा की बात सुनकर हिडिंब क्रोध से भर उठा और जोर जोर से राक्षसी आवाजें निकालने लगा। उसकी भयानक आवाज़ सुनकर कुंती और बाकी के पांडव जाग गए। हिडिंब ने भीम को मारने के लिए उस पर वार किया, लेकिन हिडिंबा ने बीच में आकर भीम की रक्षा की। उसके बाद राक्षस और भीम के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। हिडिंबा हर बार अपने भाई के विरुद्ध भीम की रक्षा के उपाय करती रही। अंततः भीम ने हिडिंब को मार दिया। इसके बाद हिडिंबा ने कुंती से कहा कि या तो उसे भीम के साथ विवाह करने दे या वह अपने प्राण त्याग देगी। हिडिंबा की जाति और कुल अलग होने के कारण भीम और कुंती को समझ में नहीं आ रहा था
कि वे हिडिंबा के प्रस्ताव का क्या करें। तब माता कुंती ने अपने ज्येष्ठ पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से इसका निर्णय करने को कहा। युधिष्ठिर ने कहा, क्योंकि राक्षस के साथ युद्ध में हिडिंबा ने भीम का साथ दिया है, इसलिए उसके जीवन पर उसका भी अधिकार है और यह विवाह हो सकता है, क्योंकि जैसे एक पत्नी अपने पति का साथ देती है, वैसे ही हिडिंबा ने भीम का भी साथ दिया है। लेकिन अलग अलग कुल के कारण वे दोनों सदैव एक पास नहीं रह सकते। तब हिडिंबा ने कुंती को वचन दिया कि विवाह के बाद वे दोनों एक साथ तब तक रहेंगे जब तक उसे भीम से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। इसके बाद भीम वापस अपने परिवार में शामिल हो जाएंगे। कुंती ने इसे स्वीकार कर लिया और इस प्रकार भीम और हिडिंबा का गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। बाद में उनके पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ, जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ते हुए वीरगत को प्राप्त हुए। मित्रों, अब हम जानेंगे महाभारत की इस कहानी में, जिसमें भीम और हिडिंबा का विवाह बताया गया है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। दोस्तों, महाभारत की कहानी हिडिंब और भीम के विवाह से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव योग्य और उचित चीज का साथ देना चाहिए। जैसे यहाँ हिडिंबा ने अपने भाई हिडिंब की जगह भीम का साथ दिया। दोस्तों, महाभारत की कहानी भीम और हिडिंबा का विवाह एक महत्वपूर्ण कहानी है। यह महाभारत की एक अनोखी कहानी में से जानी जाती है। तो मित्रों, ये थी कहानी भीम और हिडिंबा के विवाह की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भीम और हिडिंबा के विवाह के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्त हुई थी, जिसका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच बहुत ही वीर और बुद्धिमान व्यक्तित्व वाला इंसान था, जो अपनी माता के कारण राक्षसी गुणों को रखता था और भीम के कारण उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बल था। बाद में यही युद्ध में आता है और पांडवों का साथ देता है। दोस्तों, अगर आप भी घटोत्कच की कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में घटोत्कच की कहानी बताएंगे। मित्रों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।